वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल आपसे वीडियो में बोला था कि हम डेली डेली के साथ डेली 7 बजे आपके लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी 2021 के लिए, जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड प्लस प्रीवियस ईयर यानी कि टीजीटी 2016 में जैसे क्वेश्चन पूछे थे उसी के लगभग उसी के अकॉर्डिंग पूछी। ये सीरीज़ चालू की गई है, ठीक है। इस सीरीज़ में कितने क्वेश्चन होंगे? इस सीरीज़ में लगभग 1000 क्वेश्चन होंगे। ये आपके पीजीटी तक चलेगी, ठीक है। कब तक चलेगी? पीजीटी तक चलेगी। 1000 क्वेश्चन होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके टीजीटी तक मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको दे सकें। और इस सीरीज़ में ज़्यादा कोई ऐसा ये नहीं है कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे या ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कराएंगे। सिर्फ हमारा जो एम रहेगा वो प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर आप वो क्वेश्चन रहेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, तो कल से हम क्या करेंगे, जो टीजीटी के, क्योंकि टीजीटी एग्जाम्स में काफ़ी कम टाइम बचा है, तो लगभग चार दिन में हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली 125 या 100 क्वेश्चन की सीरीज़ एक प्रॉपर एग्ज़ाम की तरह यूट्यूब पे लाइव कराएंगे। उसका टाइमिंग हम देखेंगे, या तो 7 बजे या 8 बजे हम आपको बता देंगे जब भी जो टाइम होगा। इससे क्या होगा, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लगभग 400 से 500 क्वेश्चन टीजीटी से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ से उम्मीद है 30 से 40 क्वेश्चन हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाए और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। और बाकी हमारी टेलीग्राम पर तो क्विज चली रही है, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आज दिन में 2 क्विज नहीं है, एक और है डेली, वहाँ पर 3-4 क्विज चल रही हैं, ठीक है। तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2021 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के लिए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लब मॉस? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लब मॉस है? ए सेलेजिनेला, इक्विसिटिम, लाइकोपोडियम, नन ऑफ दीज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा लाइकोपोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला इज? सिलेजिनेला के राइजोफोर की रुधिर प्रकृति है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, बोथ रूट एंड स्टेम लाइक या राइजोड लाइक? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनाटॉमी ऑफ पाइनस निडल रिफ्लेक्ट द फीचर्स ऑफ ए पाइनस? सुई की शरीर संरचना एक की विशेषताओं को दर्शाता है, मीजोफाइट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट या एपीफाइट? तो इसका होगा बी, जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन? आर्कियोप्टेरिक्स इनके बीच की कड़ी है, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस? इसका आंसर होगा सी, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन? नाल तंत्र का साइकनॉइड प्रकार किस में पाया जाता है? ल्यूकोसोलिनिया, प्लैंकिया, ग्रैंटिया या स्टिलेटा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ग्रैंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एग्जांपल है फ्रेंड्स कैनाल सिस्टम और इनके एग्जांपल हैं, इसके बेस्ड पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप एक बार इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पायरोलिना इज ए यूनिसेल्यूलर बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, कोलोनियल बीजीए, फिलामेंटस बीजीए या नन ऑफ द अबव? इसका होगा आपका
ए स्पायरोलिना इज ए यूनिसेल्युलर ब्लू ग्रीन एल्गी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन यूनिट ऑफ वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल, मेजबान कोशिका के बाहर वायरस की कार्यात्मक इकाई है, वायराइड, प्रियॉन, वीरियॉन, नन ऑफ द अबव. तो इसका होगा ए वीरियॉन, सॉरी वीरियॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीरिस बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरी, स्पाइरिलम, बोथ वन एंड टू. तो इसका होगा हमारा फ्रेंड्स आंसर विब्रियो कॉलेरी. ये आपको पता होगा विब्रियो कॉलेरी मोनोट्राइकस बैक्टीरिया होता है. नेक्स्ट, ये देखिए इसके एग्जाम्पल हैं एम्फीट्राइकस, एल्कालाइगेंस, फेकेलिस, पेरीट्राइकस एग्जाम्पल सेल्मोनेला टाइफी, लोफोट्राइकस स्पाइरिलम. एक बार इसको भी देख लीजिएगा आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथैलस इज एन इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट सीन इन थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म. इसका आंसर होगा हमारा सी टेरिडोफाइट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज. तो इसका होगा हमारा बी क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस, पैकेटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, डाइकेनाइसिस. तो इसका आंसर होगा हमारा ए पैकेटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया हैज एट्टी एस राइबोसोम, 70S राइबोसोम्स, नन ऑफ द अबव या बोथ. इसका होगा हमारा 70S राइबोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम, सिडारवुड या पाइनस. इसका होगा आंसर पाइनस. जो पाइनस टर्पेंटाइन जो ऑयल है वो पाइनस से प्राप्त होता है. नेक्स्ट, द डैमेज ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर. ये आप सभी को पता होगा स्ट्रेटोस्फेयर बी. नेक्स्ट, द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय ऑडम, टेंसले, बिटेकर या गोली. इसका आंसर होगा टेंसले. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021 टीजीटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज फिलीफॉर्म लार्वा, रेबडिटीफॉर्म लार्वा, मिरेसीडियम लार्वा, माइक्रोफिलेरी लार्वा. तो इसका आंसर होगा हमारा जो फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा होता है एस्केरिस का वो होता है हमारा रेबडिटीफॉर्म लार्वा. नेक्स्ट, विच आर फैगोसाइट्स इन लीवर, कुफर सेल्स, एकाइनर सेल्स, डाइटर सेल्स, हैंसन सेल. कुफर सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीक्यूज ऑफ स्पंजिस आर फॉर्म्ड बाय प्रोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स, स्केलरोब्लास्ट, थीसोसाइट. इसका आंसर होगा हमारा पिनाकोसाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइटोपाइग इज फाउंड इन पैरामीशियम एंटमीबा अमीबा ट्रिपैनोसोमा. साइटोपाइग फाउंड इन पैरामीशियम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूलोथ्रिक्स पिगमेंट प्रोड्यूस आइसोगैमेट एनिसोगैमेट हेट्रोगैमेट्स एंड बेसिडियो स्पोर्स. यूलोथ्रिक्स पिगमेंट प्रोड्यूस आइसोगैमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंथ्रोपॉइड्स ऑफ फिनेरिया आर एसिलेटेड बाइफ्लैजलेटेड मल्टीसीलिएटेड मोनोसीलिएटेड. By the anthropoids of Fineria are biflagellated. Next question. A marine cartilaginous fish that can produce electric current is Prist, Torpedo, Trigon, Scolodon. एक ऐसी cartilaginous fish जो electric current produce करती है, तो वो हमारी फिश है, होती है टॉर्पेडो. बी. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल. इनमें से कौन सी कोशिका है जो डेड सेल से बनी होती है. कॉलेनकाइमा, फैलम, फ्लोएम, जाइलम, पेरेनकाइमा. इसका आंसर होगा बी, फैलम. फैलम जो सेल्स होती हैं ये डेड सेल्स से बनी होती हैं. नेक्स्ट. इन बार्ली स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर. बार्ली के तने में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं. क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड, ओपन एंड इन अ रिंग, क्लोज्ड एंड रेडियल, ओपन एंड स्कैटर्ड. तो बार्ली के जो तना होता है उसमें वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड और स्कैटर्ड होते हैं, यानी बंद और बिखरे हुए. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट्स. स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट्स नेवर ओपन आर ऑलवेज ओपन. ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट. ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट. इसका आंसर होगा बी, ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड. एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन. इसका आंसर होगा डी, लैक्टेट फर्मेंटेशन. देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग 25-26 क्वेश्चन हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम TGT PGT 2021 में काफ़ी हेल्पफुल होंगे. और हमारी इस सीरीज से आप जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा.